हमारे जो डांस प्लस के जजेस हैं, आज हम बात करने वाले हैं इनकी सैलरी की, भाई इनको कितने पैसे मिलते हैं। देखिए इस बार धर्मेश नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं पिछले साल जो उनको अमाउंट मिली थी उसके हिसाब से, और बात करते हैं इनकी सैलरी की। दोस्तों आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर नाम कमाना है तो बड़े पर्दे पे जाओ, और पैसा कमाना है तो छोटे पर्दे पर। ये सोच समझ कर कही गई बात है, क्योंकि भैया जो डेली शो पे यहाँ पर सच में कमाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग पर एपिसोड चार्ज करते हैं, और भाई कौन कितना एपिसोड खींच जाए ये तो बंदे की टीआरपी पे डिपेंड करता है कि भाई इसे शो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आपने सुना होगा कि सलमान खान को 350 करोड़ रुपए मिले हैं बिग बॉस को होस्ट करने के लिए, तो वैसे ही हमारे जो डांस प्लस के जजेस हैं, आज हम बात करने वाले हैं इनकी सैलरी की, भाई इनको कितने पैसे मिलते हैं। देखिए इस बार धर्मेश नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं पिछले साल जो उनको अमाउंट मिली थी उसके हिसाब से, और बात करते हैं इनकी सैलरी की। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप डांस प्लस किसके लिए ज्यादा देखते हैं, कौन है आपकी इंस्पिरेशन। भाई इस बंदे के लिए तो डांस प्लस देखना ही पड़ेगा, रेमो है, पुनीत है, शक्ति है, राघव, सलमान है, कौन है वो ना। और हम बात करते हैं इनकी सैलरी की। सबसे पहला नाम आता है शक्ति मोहन का। अगर हम कंपेयर करें बिगनिंग में जब ये आई थी तो इनकी जो पर एपिसोड इनकम हुआ करती थी वो थी 1 लाख रुपए, अगर अब कंपेयर किए जाएं तो अब ये ले रही हैं 3,50,000 रुपए पर एपिसोड, प्लस और भी बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट का पैसा आ जाता है, लेकिन इस शो की जो स्पेसिफिक कमाई है वो इनकी 3,50,000 रुपए। अब अगला नाम आता है सलमान यूसुफ खान का। अब देखिए पहले एक भी सीजन में नहीं थे, एक दूसरी जगह जज करते थे जो कि यहाँ का नहीं, यूएई यानी कि दुबई का शो था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो इनकी कमाई है वो है 3 लाख रुपए पर एपिसोड। अब देखिए बिगिनिंग की इनकी बता नहीं सकते कि क्या वैल्यू होती क्या नहीं होती, अभी जो आए हैं तो ये 3 लाख रुपए डॉट उठा रहे हैं। अब जो अगला नाम आता है वो है पुनीत पाठक का। पुनीत पाठक जब बिगिनिंग में आए थे तो एक एपिसोड के लेते थे 1 लाख रुपए, और सीजन 4 की अगर बात करें तो वहां इनके प्राइस थे 2.5 लाख रुपए, और अब इनके प्राइस हैं 4 लाख रुपए। ये इसलिए भी क्योंकि भाई विनर रह चुके हैं डांस प्लस के 2 बार। दोस्तों अगला नाम आता है राघव जुयाल का, जो कि एक होस्ट है, और आप सोच रहे होंगे कि बीइंग अ होस्ट उतना पैसा नहीं मिलता होगा जितना कि जजेस को मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा मानना आपका बिल्कुल गलत है। राघव एक शो करने के लिए लेते हैं 3.5 से 4 लाख रुपए, बेशक जज नहीं है लेकिन इनकी कॉस्टिंग भी इतनी ही है। देखिए बहुत से लोग सोचते होंगे कि एक शो करने के 30 लाख 40 लाख 50 लाख कितने रुपए मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, बातें झूठी हैं। यूट्यूब पर अगर किसी ने ऐसा ज्ञान पेला है तो सॉरी आप पागल बनकर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक शो के 30 लाख 40 लाख। अगर जेठालाल की बात करें तो उनको भी एक शो के इतने पैसे नहीं मिलते हैं। हाईएस्ट जो होस्ट इंडस्ट्री में वो है मनीष पॉल, और उनको एक एपिसोड के मिलते हैं 8 लाख रुपए। तो सोचिए कहां 30 लाख 40 लाख और कहां 8 लाख रुपए। अब अगला जो नाम आता है वो है धर्मेश योलंडे का। अब धर्मेश इस सीजन में नहीं है, बिगिनिंग के सीजन में धर्मेश आए थे तो उनको पर एपिसोड 2 लाख रुपए मिला करते थे, क्योंकि भाई साहब नाम बहुत बड़ा था, फेम बहुत बड़ी थी, और जो उन्होंने लास्ट सीजन किया वहां पर वो उठा रहे थे 3,50,000 रुपए पर एपिसोड। अब सीजन में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सीजन में उनको कितने मिलने चाहिए थे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख। और इसी बीच करते हैं शो के सुपर जज की बात, जो हैं रेमो डिसूजा, और उनको एक एपिसोड के मिलते हैं 6 लाख रुपए। तो दोस्तों ये है डांस प्लस वालों की सैलरी, आई होप आप सेटिस्फाइड है। अब मुझे कमेंट करके बताएं सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पर किसकी होनी चाहिए और सबसे कम किसकी, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए सच बताता हूँ तो बहुत कम लोग देखते हैं, मैं भी बता सकता था 50 लाख 40 लाख आपको पागल बना सकता था, बट ऐसा नहीं है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि बिल्कुल सच्ची अपडेट आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।